बीते कुछ दिनों पहले एबी स्टार न्यूज ने नागालैंड की 9 लड़कियों को एक घर में बंधक बनाए जाने के बाद आजाद करवाने की खबर से आपको रूबरू करवाया था। लेकिन आज फिर से धार्मिक आगू सुमंत्र दास 2 लड़कियों के पास पहुंचे। बता दें, ये लड़कियां काफी मुश्किल में थी, क्योंकि जिस होटल में ये काम करती थी उस होटल की तरफ से ना तो उन्हें सैलरी दी गई और ना ही घर का किराया, और बिजली का बिल इन लड़कियों ने खुद से ही भरा है। धार्मिक आगू के मुताबिक वो जल्द ही इन दोनों लड़कियों को उनके घर भेजेंगे। आपको बता दें कि अमृतसर के मजीठा रोड पर एक घर में पहुंचे धार्मिक आगू और पुलिस को देखकर लोग हैरान हो गए कि आखिरकार उनके सामने वाले घर में ऐसा क्या हो रहा था जो उनको पता ही नहीं। धार्मिक आगू सुमंता दास के मुताबिक इस घर में रहने वाली दोनों लड़कियों में से एक नागालैंड की और एक अरुणाचल प्रदेश की है, और जिस होटल में ये लड़कियां काम करती थी उस होटल की तरफ से ना तो इन्हें सैलरी दी गई और ना ही इनके घर का किराया और बिजली का बिल इन लड़कियों की तरफ से ही दिया जा रहा है। इस पर घर के मकान मालिक का कहना है कि उनके साथ एक अग्रीमेंट हुआ था होटल की तरफ से, लेकिन वो अग्रीमेंट भी पूरा नहीं किया गया। वो खुद अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं और इन युवतियों को भी खाना दे रहे हैं। धार्मिक आगू सुमंता दास से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पहले भी 9 नागा लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है और अपने स्कूल के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराया गया। इन 2 लड़कियों को भी वहीं शिफ्ट करा लिया जाएगा और जब तक इन सब के जाने का इंतजाम नहीं हो जाता ये वहीं रहेंगी, और जब सारा इंतजाम हो जाएगा तब इनको भेज दिया जाएगा। लेकिन तब तक इनकी देखरेख की जिम्मेदारी धार्मिक आगू सुमंता दास पर ही रहेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले 9 नागा गर्ल्स उनको रेस्क्यू किया गया था, तो अभी नागालैंड में उनको पता है इसके बारे में, तो उनका एक पादरी उन्होंने फोन किया रात को कि 2 लड़कियां हैं, एक नागालैंड की है एक अरुणाचल प्रदेश की है, और जिस कंपनी उनको एम्प्लॉय किया था वो उनको सैलरी नहीं दी, मार्च की 50% किया था उसके बाद नहीं दिया, बाकी उनको इस घर में रखा था तो उनको उनका रेंट नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया, तो बहुत परेशान है, तो आप कुछ कीजिए। तो मैं डीसी साहब को मैसेज किया था, बाकी पुलिस स्टेशन में भी हमारे स्टाफ गए। एक माया करके हम लोग का जो मैनेजर था हम लोग कंपनी का, उसने कॉन्टेक्ट करके हम लोग यहाँ पे आया था। फिर यहाँ पे आने के बाद में 2 महीना ही हम लोग ने जॉब किया। कहाँ जॉब कर रहे थे, क्या जॉब कर रहे थे? हम लोग वहाँ पे होटल पे होटल में जॉब किया था। उसके बाद हम लोग 2 महीने करने के बाद ही लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद तो फिर हम लोग ने कंपनी को बोला कि रहने के लिए, क्योंकि कंपनी क्या था का जो लॉकडाउन होने के आगे ही पैसा पे नहीं किया बोला, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने हम लोग को बताया था कि वही पे नहीं किया। लेकिन हम लोग ने रिक्वेस्ट किया क्योंकि हम लोग के पास भी पैसा नहीं था, सैलरी भी आधा दिया, इसलिए हम लोग ने बोला कि लैंडलॉर्ड को बोला कि हम लोग को थोड़ा सा हेल्प कीजिए ना, क्योंकि हम लोग तो पैसा पे नहीं कर पाएगा। इन्होंने मेरे ना एग्रीमेंट किया सी, कोई है गया मेगा गर्क जिहड़ा कि कंपनी का ओनर है, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि असं हर मंथ 13,000 रुपीज तुम पे करेंगे, तो 13,000 रुपीज की सिक्योरिटी हैगी है साढ़े को। वो इन्होंने लास्ट 3 मंथ तो ना ही मैंने इन्होंने कोई पे किया वा रेंट, तो ना ही इन्होंने मैंने कोई बिजली का बिल लास्ट 5 मंथ तो दे दिया। इन्होंने कंपनी के मैनेजर को फोन करीदा वा, अज कर दें कल कर दें, ईवन डैड की फिर उन्होंने मैंने सीधा कहा कि तुम साडे स्टाफ में कढ दो, इतने स्टाफ में कढ़न तो जेड़े इन्होंने मैंने गल की स्टाफ में कढ दो। मैं इन्होंने फिर भी स्टाफ में पूछा कि इन्होंने कंपनी ने इस तरह कहा वा कि स्टाफ में कढ दो, ये कहते कि जिन्नी देर तक सर लोगों की हेल्प करो, मैं कहा ठीक है जिन तक लॉकडाउन तुम मेरे को इतने फ्री रह सकते थे, ईवन डैड की ग्रोसरी भी इन्होंने मैं खुद दी है, रोटी पानी सब कुछ मैं आप देना मैं।